उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने आज जिला सचिवालय सभागार में रेवाड़ी जिले की 12वीं कक्षा में टॉप 10 में रही छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने शिक्षकगण व विद्यार्थियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा, छात्राओं ने अच्छे अंक प्राप्त करके यह साबित कर दिया कि ये किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी की छात्राओं ने प्रदेश भर में रेवाड़ी का नाम ऊंचा किया है। उन्होंने कहा कि जिले की होनहार बेटियों ने अपनी काबिलियत एक बार फिर साबित की है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है और इन छात्राओं ने यह दिखा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा इन छात्राओं का भविष्य में जो लक्ष्य है वह पूरा हो। क्या कहेंगे रेवाड़ी की तीन बेटियां जिस तरह से दो तो थर्ड नंबर पे है, एक टॉपर रही है, एक क्या बनता है? वैसे तो इस साल के जो बोर्ड के नतीजे हैं 10वीं और 12वीं के, सभी में रेवाड़ी ज़िले के बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। लेकिन मैं ख़ास तौर पे बधाई दूंगा आज के जो हमारे 10 टॉपर हैं उनको, और इसके साथ साथ जो साइंस की हमारी स्टेट की टॉपर हैं वो रेवाड़ी ज़िले से हैं, और आर्ट्स में और कॉमर्स के भी स्टेट में जो थर्ड हैं बच्ची वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, मैं इनको, इनके माता पिताओं को, अभिभावकों को, सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और मैं ये आशा करता हूं बच्चे आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे और जीवन में इन्होंने जो सोचा है जो भी अचीव करने के लिए वो इसको प्राप्त करेंगे। सर, सरकारी स्कूलों में जिस तरीके का परिणाम आए तो कितने आप संतुष्ट हैं? ऑल ऑफ जो हमारा रैंक है रेवाड़ी का वो बिगड़ा है। 8 नंबर पे पहले 1-2 नंबर पे आया करता था रेवाड़ी, आज अब की बार 8वें नंबर पे आया। 10वीं में तो हमारे ज़िले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, 12वीं में थोड़ा सा हमारा रैंक नीचे हुआ है, और हम अभी देखेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि इसमें हमारी क्या कमी रही है। अब रादर हमने ये काम शुरू कर दिया है, हमारे ज़िला शिक्षा अधिकारी ने, दूसरे अधिकारियों ने मिलके, और मुझे आशा है कि अगली बार हम अपना वापस उसी रैंक पे आएंगे या उससे भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। सर, मेरा नाम बबीता है। सर, मैंने 495 मार्क्स अचीव किए हैं और मैं आगे CA बनना चाहती हूँ। इसका श्रेय किसे देंगे? सर, मैं अपने स्कूल को और पेरेंट्स को इसका क्रेडिट देना चाहूँगी। किस तरह से स्टडी कर रहे हैं आप? पूरा होता है कि बाकी जो बच्चे हैं उनको किस तरह, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से स्टडी करते थे, किस तरह से रेगुलर दिनचर्या? सर, जो डेली रूटीन में पढ़ता है उसका तो फिर अच्छे से हो जाता है, और जो रूटीन में नहीं करता फिर उसका रह जाता है। क्या नाम आपका? सर, किरण। क्या कहेंगे जो आपके आ रैंक आई, आपकी थोड़ा सा बता दीजिए। यस, आई स्कोर्ड 491 out of 500। एंड किस तरह का आपका पूरा किस तरह से दिनचर्या रहती है, और श्रेय किसको देगी आप? सर, स्पेशली आई वांट टू गिव द क्रेडिट ऑफ माय दिस सक्सेस। हिंदी में बोले तो अच्छा रहेगा क्योंकि हिंदी चैनल है सभी। यस सर, मैं अपनी मम्मी को सबसे ज़्यादा इसका श्रेय दूंगी, उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत मोटिवेट किया। सर, माय फादर वाज डाइड बिफोर 2 years, सो आई वांट टू अचीव समथिंग बिग इन लाइफ, एंड आई worked hard for this, and because all of my teachers gives me very 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 support, and I am, because of you I am reach here, so thank you so much all my teachers, and especially principal ma'am, principal sir, director sir, all of my teachers, and I belongs to SSRBR school, and before it I read in Suryodaya Senior Secondary School. Both of schools are very good, and I am very very satisfied with their teachers, and I like very much their study. मेरा नाम प्राची शर्मा है और मैं भारती इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ, और मैंने 12th में 492 out of 500 मार्क्स स्कोर किए हैं। 10th में भी मेरा इतना ही स्कोर था, और आगे जाके मैं केमिस्ट्री की प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, और जो भी मेरा रिजल्ट है उसका पूरा क्रेडिट मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि टीचर्स ने रात के 11-12 बजे भी मेरे डाउट सॉल्व किए, और मम्मी पापा भी मेरे साथ 11-12 बजे तक जागे हैं, उन्होंने कॉफ़ी बनाई है कि नींद भी आए तो पी लेना, और टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, तो टीचर्स और पेरेंट्स के कोऑपरेशन के बिना ये सब इम्पॉसिबल था, तो इसके लिए बोथ ऑफ देम थैंक यू। थैंक यू सर।
रुको, आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर इन लाइफ. आई वॉन्ट टू गिव क्रेडिट टू ऑल माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, स्पेशली माई डैड. एंड दिस आई वॉन्ट टू टेल ऑल स्टूडेंट्स दैट टू वर्क हार्ड. मेरा नाम अंजलि शर्मा है, मैं बाबेपुर से हूँ. मैं MB सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ. मैंने 492 अंक प्राप्त किए 500 में से, और मैं इस उपलब्धि का सारा क्रेडिट मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को देती हूँ. मेरे टीचर्स ने और पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. मेरा स्कूल भी काफ़ी हेल्पफुल था. मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि हार्ड वर्किंग और रिवाइज करें बार बार. थैंक यू. मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ.